हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एंड्रॉयड एनसी। और आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ MIUI 12 के अपडेट के बारे में, जो कि फाइनली मेरे पोको M2 Pro में आ चुका है। इसका जो वर्जन है वो 12.0.3 है। तो चलिए सबसे पहले हम सेटिंग में चलते हैं, अबाउट फोन में, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा करंट MIUI का वर्जन है वो 12.0.1 है। अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो MIUI का वर्जन है 12.0.3 है, और ये स्टेबल वर्जन का अपडेट आया हुआ है, और ये जो अपडेट है वो 2.3 GB का अपडेट आया हुआ है। ज़्यादा कुछ इस अपडेट में हमें चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल है वो फरवरी 2021 का हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने जो डाउनलोड पूरे तरीके से कर लिया है अपडेट को, तो रिबूट ना कर यहाँ पे नीचे के साइड से ऑप्शन आ रहा है, तो रिबूट ना करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि इस अपडेट में और कुछ हमें चेंजेस मिले हैं या फिर नहीं। तो फाइनली मैं रिबूट करके वापस आ चुका हूँ। तो सबसे पहले सेटिंग में चलते हैं। अबाउट फोन में आप देख सकते हो कि 12.0.3 हो चुका है, और यहाँ पे हम सबसे पहले एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल चेक करते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो कि 2/1/2021 का हो चुका है। अब चलते हैं MIUI के वर्ज़न में, और यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमें क्या न्यू मिला है, व्हाट्स न्यू। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी भी दिखा रहा है कि एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल जो फरवरी 2021 का हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इस अपडेट में हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले सिक्योरिटी स्टेटस में अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको गूगल प्ले सिस्टम अपडेट जो है 1 मार्च 2021 का हो गया है, तो ये नया भी मिला है। उसके अलावा अगर आप सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सिम वाला सिस्टम है ये थोड़ा सा चेंज हो चुका है। यहाँ पे जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिल रहा है। ये रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में भी आया था जब अपडेट, तो वहाँ पे भी चेंज हुआ था, और इस अपडेट में भी इसमें भी चेंज हो चुका है पोको के M2 Pro में भी। यहाँ पे एक और अपडेट मिला है डिस्प्ले में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो डार्क मोड है ये 3.0 का हो चुका है, जो कि काफ़ी डार्क होने वाला है। अगर आप मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो, एंड लाइट मोड, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो चुका है डार्क मोड। अब बात करते हैं पोको M2 Pro के बैटरी बैकअप के बारे में। M2 Pro का जो बैटरी बैकअप था वो कुछ खास नहीं था। अभी जब मैं 12.0.1 के अपडेट में यूज़ कर रहा था तो कुछ बैटरी बैकअप कुछ खास नहीं दे रहा था, एंड अब देखते हैं कि 12.0.3 के अपडेट में हमें बैटरी बैकअप कैसा देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक जो बैटरी बैकअप है वो पहले से बेटर हो चुका है। मैंने कुछ टाइम यूज़ भी किया इसे, तो बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा दे रहा है कंपेयर टू 12.0.1 के अपडेट से, तो ये भी अच्छा हो चुका है। एंड साथ ही जो कुछ फंक्शन वगैरह थे वो स्मूथ हो चुके हैं, बग्स वगैरह कुछ कुछ फिक्स भी कर दिए गए हैं। तो ये था अपडेट MIUI 12.0.3 का पोको M2 Pro के लिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल इससे हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मैं मिलता हूँ एक न्यू और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।